Hi everyone, I am Nihar Ranjan Nanda. In previous class, we discussed about independent article A and An. Now, we discuss about definite article They. Let's start from the beginning. The is called definite article and is used when to say about a definite person. तो दी एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये तब इस्तेमाल होती है जबकि हमको ये पर्टिकुलर आदमी जगह और चीज़ के बारे में कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल, आई सो द गर्ल हु सिक्योर द फर्स्ट रैंक. मैं वही बालिका को देखा जो पहली रैंक में आई थी. तो इधर जो बालिका के बारे में बात किया गया है वो एक पर्टिकुलर गर्ल है. गर्ल इज डेफिनाइट, कोई ना कोई एक गर्ल है जो कि पहली रैंक में आई थी, मैं उसको देखा. तो पर्टिकुलर पर्सन इज द गर्ल इज डेफिनाइट, इसलिए गर्ल्स के पहले दी का इस्तेमाल हुआ. अभी देखेंगे उसका यूजेस. डेफिनेट आर्टिकल कब कब इस्तेमाल होती है. पहला, दी इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स. दी ये सारे कॉमन नाउन के पहले इस्तेमाल होती है, जैसे कि द सन, द मून, द प्लैनेट, द स्काई, द अर्थ. और इसको हम ये भी कह सकते हैं जो यूनिक चीज़ है, एक ही चीज़ में वर्ल्ड में, संसार में, दुनिया में एक ही चीज़ है, उसके पहले उसका इस्तेमाल करेंगे. और इसको यूनिक यूज़ भी कहते हैं, जैसे कि द सन, यूनिक, एक ही है सन. द मून, एक ही मून है. द प्लैनेट, एक ही प्लैनेट है. ग्रह, एक ही ग्रह है. द स्काई, एक ही आसमान है. द अर्थ, एक ही धरती है. इसलिए इधर इसको भी हम क्या कह सकते हैं, यूनिक यूजेस भी कह सकते हैं दी का. फिर दूसरा इस्तेमाल देखो उसका, दी इज यूज्ड बिफोर ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ऑलरेडी रिफर टू. जो कि ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि दी एक पर्टिकुलर आदमी या कोई पर्टिकुलर चीज के पहले इस्तेमाल होगा. जैसे कि द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे, वही बालक जिसको कि मैं कल मिला था, जिसके साथ मैंने कल मिला था, वही एक पर्टिकुलर बॉय के साथ मैंने मिला था कल, तो ही बाई की बात इधर हम करते हैं, इसीलिए इसके पहले दी लिखेंगे. द बुक दैट आई गेव यू. सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, द बुक दैट आई गेव यू, वही बुक जो कि मैंने तुमको दिया था. द बुक दैट आई गेव यू, तो पर्टिकुलर बुक मतलब वो कहता है मैं जो वही बुक जो कि मैंने तुमको दिया था, तो पर्टिकुलर बुक को बुझा समझाता है, कोई पर्टिकुलर बुक उसको दिया है, तो दी बुक इसलिए हुआ. इसलिए यहाँ हमको ये समझ में आया कि दी का इस्तेमाल तब होगा जबकि वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को रेफर करेगी. नेक्स्ट, दी इज यूज्ड बिफोर सम बुक्स. दी कुछ बुक्स के पहले ही इस्तेमाल होता है. सम बुक्स, इधर सम बुक का मतलब समझ लो हॉली बुक, जितने सारे पवित्र पुस्तक है उसके पहले दी लगेगी. जैसे कि दी रामायण, दी कुरान, दी बाइबल, ऐसे और क्या हो सकता है, दी महाभारत, दी गीता, ये सारे हॉली बुक्स है, पवित्र पुस्तक है, इसलिए उसके पहले दी का इस्तेमाल होगा. हर पुस्तक के पहले नहीं, सिर्फ पवित्र पुस्तक के पहले ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट, दी इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, सीज, ओशंस, आइलैंड्स एट्सेट्रा. और अभी दिखेंगे दी इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, नदी के नाम से पहले, माउंटेन्स पर पहाड़ के नाम से पहले, सीज समंदर के नाम से पहले, ओशंस सागर के नाम से पहले, आइलैंड्स और द्वीप के नाम से पहले दी का इस्तेमाल होगा. जैसे कि दी गंगेस, एक गंगेस एक रिवर है, और दी गंगा रिवर का नेम पहले दी का इस्तेमाल होगा. दी नाइल, ये भी एक रिवर है, अफ्रीकन रिवर, तो उसके पहले दी का इस्तेमाल हुआ. ऐसे और क्या हो सकता है, द निकोबार आइसलैंड, आइलैंड्स आइलैंड के, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आइलैंड के पहले होगा. द अरबियन सी, सी के समंदर के पहले होगा, इस तरह का हो सकता है. द लाक्षाद्वीप, लाक्षाद्वीप एक आइलैंड है, उसके पहले दी इसका इस्तेमाल हुआ. उसका अगला इस्तेमाल देखो, दी इज यू बिफोर ए सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास. अभी देखेंगे ये सिंगुलर नाउन होगा लेकिन एक टोटल क्लास को, एक टोटल श्रेणी को जो रिप्रेजेंट करेगा, टोटल श्रेणी को जो समझाएगा, उसके पहले हम दी लिखेंगे. जैसे कि दी काओ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, तो काओ गाय एक
पालतू जानवर है दी काओ, दी काओ इस्तेमाल हुआ। इधर जो दी काओ कहा गया, ये काओ का मतलब सारे काओ को समझाया, एक ही काओ को नहीं होल क्लास को रिप्रेजेंट किया। ऐसे द रोज स्मेल्स स्वीट, रोज बहुत अच्छा स्मेल देती है। दी रोज ये गुलाब के बारे में कहा गया, दी रोज, इस रोज के पहले दी क्यों लगा, क्योंकि इधर जो रोज है उस एक टोटल ग्रुप को समझाती है। नेक्स्ट दी पैरट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, पैरट एक सुंदर सी पंछी है। दी पैरट, तो पैरट के पहले दी का इस्तेमाल हुआ, इधर एक ही पैरट नहीं समझाया, सारे पैरट को समझाया। इसलिए जब ये सिंगुलर नाउन होगा, लेकिन ये होल क्लास को, होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, उसके पहले हम दी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट दीज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव्स, जब हम एडजेक्टिव आएंगे तो मैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताऊंगा। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, एडजेक्टिव तीन तो फॉर्म होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले हम दी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दी। जैसे कि द हाइस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़, दी का इस्तेमाल हो गया। हाइस्ट, हाई, हायर, हाइस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले दी का इस्तेमाल हुआ। और वैसे देखो द बेस्ट पिक्चर आई हैव एवर सीन, द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए उसके पहले दी का इस्तेमाल हुआ, द बेस्ट पिक्चर। हम सिर्फ बेस्ट पिक्चर लिखेंगे तो ये गलत होगा, इसीलिए ये, क्योंकि ये जो बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले हम दी का इस्तेमाल करेंगे। तो दी का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री से पहले होती है। नेक्स्ट और एक सुनो, दी का इस्तेमाल कब नहीं होती है, कब हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दी इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, जितने सारे प्रॉपर नाउन्स है उससे पहले हम दी का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन के पहले दी का इस्तेमाल होता ही नहीं है। जैसे कि प्रॉपर नाउन में कौन कौन सा आता है, आदमी का नाम आता है या कोई प्लेस का नाम आता है, जैसे कि मुंबई, उसके पहले दी का इस्तेमाल करेंगे क्या, नहीं, दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दी का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे आदमी का नाम से पहले भी दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने सारे प्रॉपर नाउन है उससे पहले हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दी का इस्तेमाल कब कब करेंगे तो ये मैं बता चुका हूँ, कोई डाउट है तो यहाँ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपका ये डाउट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।